घमंड न कर, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अनबीटेबल जिंदगी 2.0 से मैं विकास। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु से पेंटिंग सीखा करता था। पेंटिंग की बारीकियां, पेंटिंग कैसे बनाए, ये सारी चीजें वो लड़का पिछले 2-3 सालों से अपने गुरु के साथ में सीख रहा होता है। वो हमेशा अच्छी पेंटिंग्स बनाता था और अपने गुरु को दिखाता था कि हमने ये पेंटिंग बनाई, ये कैसी लग रही है। जब भी वो अपने गुरु को पेंटिंग दिखाता था तो उसके गुरु उसमें कुछ ना कुछ बारीकियां, कुछ ना कुछ कमियां निकाल लिया करते थे। वो लड़का बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करा, और जितनी बारी उसमें कमियां आती थी उस कमियों को सुधारता था और अगला नया काम करता था। एक बार उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, बहुत मेहनत किया, इतनी खूबसूरत पेंटिंग कि मतलब उसको देखने के बाद में लगता था कि कोई जान आ गई हो उस पेंटिंग में, इतनी खूबसूरत पेंटिंग ना उसमें कोई कमियां। उस पेंटिंग को ले जाके उसने अपने पहले दोस्तों को दिखाया, सबको दिखाया, सबने बहुत तारीफ की, बोला नहीं इस बात तो गुरु जी इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं निकाल सकते, इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनी है, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, सभी ने उसकी तारीफ की। अब वो पेंटिंग गुरु जी के पास ले जाता है, जैसे गुरु जी को पेंटिंग दिखाता है गुरु जी ने उसमें वही 3-4 पेंटिंग में कमियां निकाल दिया। जब उस गुरु ने उनके पेंटिंग में कमियां निकाला तो वो काफी दुखी हुआ और नाराज हुआ, बोला कि नहीं ये जानबूझकर मेरे पेंटिंग में कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। लड़का घर चला गया नाराज होकर। नाराज होकर घर गया, उसने ये डिसीजन लिया कि नहीं अब मैं इनके पास कोई भी चीजें नहीं सीखूंगा, अब मैं कहीं और जाऊंगा। ये सारी चीजें उसने डिसाइड किया। उसे लगा कि नहीं ये मेरी झूठी कमियां निकालते रहते हैं और मैं कितना भी बेहतर कर लूं लेकिन इनके सामने मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। ये सारा डिसीजन लेता है। अब वो गुरुजी के घर जाता है बोलने के लिए कि मैं अब आपके साथ पेंटिंग नहीं सीख सकता हूं। मैं गुरुजी के घर जाता है, गुरुजी के घर पहुंचता है, दरवाजे पे जैसे ही नॉक नॉक करना होता है वैसे उसे गुरुजी की आवाज सुनाई देती है कि वो अपने धर्म पत्नी से बात कर रहे होते हैं, खूब तारीफ कर रहे हैं कि आज उस लड़के ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत पेंटिंग नहीं देखी, उसमें कमियां निकालना मुझे बहुत कठिन लग रहा था फिर भी मैंने जानबूझ के उसमें 1-2 कमियां निकाली। तो उनकी पत्नी ने बोला कि भाई आप तारीफ क्यों नहीं करते हैं उसकी, अगर आज बेहतर बनाया था तो आज आपको तारीफ करनी थी उसकी। तो गुरु जी बोलते हैं कि नहीं मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकता, यदि मैं उसकी तारीफ उसके मुंह पे कर दूंगा तो वो सीखना बंद कर देगा, उसके बाद वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, उसमें अहम आने लगेगा, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आएंगी, इसलिए जब तक मैं उसकी कमियां निकालता रहूंगा वो सीखता रहेगा और बेहतर काम करता रहेगा। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि आप ऊपर उठें, इसलिए आप कितना भी बेहतर काम करेंगे, कितना भी बेहतर काम करेंगे वो उसमें कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे। जब वो कमियां निकालेंगे तो आप उसमें सुधार करेंगे और अच्छा काम करेंगे। इसलिए जो आपको प्यार करता है, जो आपको मानता है, जिनके दिल में आप रहते हैं, वही लोग आपकी कमियां निकालते हैं। इसलिए कभी उनसे नाराज मत होइए, वो आपको और ऊपर देखना चाहते हैं। आज की जो करंट कंडीशन है, जो करंट सिचुएशन है, आप जिस पोजीशन पे हैं वो और ऊपर आपको देखना चाहते हैं कि आप और बेहतर करिए, और शानदार करिए। इसलिए अपनों का ख्याल रखिए और उनसे कभी नाराज मत होइए। थैंक यू सो मच। अनबीटेबल जिंदगी 2.0 से मैं विकास। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, Instagram या Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करिए, बट करिए जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।